हेलो एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? इफ यस तो एक बार कमेंट ड्रॉप कर दो दैट आई एम ऑडिबल, यस लिख के भेज दो सब लोग। और साथ में ये भी बताओ कि कैसे हो सब लोग। आर यू ऑल गुड? साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। क्वांट्स का क्या करें? तो देखो, मैंने आप लोग अगर आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था अराउंड 7 बजे के अराउंड मेरे लेक्चर के बाद, वो 3 से 4 मिनट का वीडियो पूरा सुन लेना। आप लोगों को हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है कि कैसे कौन सा लेक्चर यूट्यूब पे आएगा। इंग्लिश और कंप्यूटर का चल रहा है, मैथ्स रीजनिंग का शुभम सर आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, जीके स्टार्ट होने वाली है, करंट अफेयर्स भी मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलो। यस ऑडिबल, सो एवरीबडी रेडी फॉर द क्लास? शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर सेक्शन फर्स्ट। पहले कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। और जिसको भी क्लासेस से रिलेटेड डाउट है, मॉक से रिलेटेड डाउट है ना, टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी को है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि इससे पहले देखना एक वीडियो अपलोड हुआ होगा। टाइटल क्या है वीडियो का? इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल पंचायत सेक्रेटरी एस्पायरेंट्स। तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है? चलो, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी आपके स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं जो बेसिकली लेजर का यूज करके जिनमें डेटा रीड राइट किया जाता है ना? तो ब्लूरे डिस्क आ गया, सीडी रोम आ गया, डीवीडी आ गया, लेकिन पी रोम जो है इट इज अ टाइप ऑफ रोम, है ना? ये रोम का टाइप है आपका, मेन मेमोरी का टाइप है, तो ये यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जिसमें डीवीडी, पी रोम, सीडी रोम है, इनके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। हाँ, तो आंसर मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डायल अप। बिल्कुल सही। हम बोलेंगे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सबसे पुराना मेथड इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो है वो डायल अप है, और स्लोएस्ट भी है। ठीक है, स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डायल अप है। यहाँ पे क्या होता था कि एवरी टाइम यू हैव टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यू हैव टू डायल अ पर्टिकुलर नंबर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब कोई यहाँ पे स्लोएस्ट तो आ गया, कोई मुझे बता सकता है फास्टेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? आंसर देना मुझे, तब तक थर्ड क्वेश्चन भी देखो। बिल्कुल सही, फास्टेस्ट है फाइबर ऑप्टिक्स, या ऑप्टिकल फाइबर भी हम इसे बोलते हैं। बिल्कुल सही, एवरीवन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फिर। व्हाट इज इट? व्हाट डू यू कॉल अ की ऑन अ कीबोर्ड दैट इज यूज टू मूव द पॉइंटर और कर्सर अराउंड द स्क्रीन? कर्सर को स्क्रीन पे जो मूव करने के लिए की यूज होती है वो कौन सी की है? नेविगेशन, न्यूमेरिक, फंक्शन और कंट्रोल। बिल्कुल सही, स्क्रीन पे मूव करना मतलब स्क्रीन स्क्रीन पे नेविगेट करने के लिए यूज होती है, तो वो आपकी नेविगेशन कीज होती हैं। कोई मुझे बताएगा नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती हैं? आपको क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि नेविगेशन कीज कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी कीज होती हैं आपकी नेविगेशन कीज? आपकी होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, जो इस तरीके के 4 एरोज आपके कीबोर्ड पे बने होते हैं, दीज आर बेसिकली द नेविगेशन कीज। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों का डिलीट एंड इंसर्ट, डिलीट एंड इंसर्ट भी नेविगेशन की होती है। इंसर्ट जो आपके करंट अभी के जो अपडेटेड कीबोर्ड आ रहे हैं, इसमें ये की तो नहीं होता, पर डिलीट होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अप डाउन लाइट राइट लेफ्ट नहीं होता, आज के बाद ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। इट इज होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये कीज होती है। ओके क्या है फुल फॉर्म ऑफ ई बी सी डी आई सी पूछा है। क्या इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये क्या है, 8-bit स्कीम है बेसिकली, किसके लिए, कि अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, पंचुएशन या अदर सिंबल्स जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंटरप्रेट होते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स तो रहते ही है, पंचुएशन मार्क्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं उसको इंटरप्रेट कर सके आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। ऑलराइट चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is one of the file formats used for web graphics? Graphics के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे, GIF, EXE, TXT या फिर DOCX? तो कौन सा है, GIF किसके लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए है ना, exe किसके लिए होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, txt किसके लिए होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए, और docx डॉक्यूमेंट के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एट अ टाइम एक ही यूजर उस सिस्टम पे काम कर सकता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट एक ही यूजर कर सकता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, फुल फॉर्म क्या है इसका, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यही फुल फॉर्म है इसका। ये सिंगल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से इंटरफेस इसका क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है कि कमांड एंटर करनी पड़ती है यहाँ पे इनपुट देने के लिए। एक और चीज जो याद रखनी है, ये एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कब ये लॉन्च हुआ था, 1981 में बाय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ये चीजों पे से क्वेश्चन आ सकता है, एक बार जेके एसएसबी में क्वेश्चन भी आया कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस किस तरीके का इंटरफेस यूज करता है, ग्राफिकल यूजर है या कमांड लाइन है, तो आंसर शुड बी कमांड लाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया है 2021 में, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज्ड इन क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये आप लोगों को याद होगा, ये क्वेश्चन आई गेस PAA के पेपर में भी आया था, है ना, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन जेकेएसएसबी PAA के पेपर में भी आया था। तो कौन सा कंप्यूटर है जो क्लाइमेट रिसर्च वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होता है, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर या मिनी, तो आंसर इज सुपर कंप्यूटर, सही है सबका आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया हुआ है, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर। एलईडी अ टाइप ऑफ मॉनिटर डिस्प्ले है ना, एक टाइप ऑफ डिस्प्ले है, कौन क्या इसका फुल फॉर्म है बताओ, ये भी सबको पता होगा, इट इज लाइट इमिटिंग डायोड, एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा साथ में ये भी मुझे बता दो कि एलईडी एमिसिव डिस्प्ले है या नॉन एमिसिव डिस्प्ले है, दो तरह के डिस्प्ले हम लोगों ने पढ़े हैं, एमिसिव नॉन एमिसिव, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमिसिव डिस्प्ले है या नॉन एमिसिव डिस्प्ले है।
साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर? एमिसिव डिस्प्ले है, बिल्कुल। चलो, पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस क्या सीपीयू का पार्ट है? नहीं। स्कैनर सीपीयू का पार्ट है? नहीं। जॉयस्टिक भी नहीं है, ये तो हार्डवेयर डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है। मेमोरी रजिस्टर्स, प्रोसेसर की खुद की मेमोरी जिसको हम प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं, वो होते हैं रजिस्टर्स, जो डेटा टेम्परेरीली होल्ड करते हैं वाइल प्रोसेसिंग, है ना। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ई वेस्ट क्या होता है, और क्वेश्चन नंबर 11 में CAD की फुल फॉर्म पूछी गई है। हाँ जी, तो ई वेस्ट क्या होता है? बेसिकली ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, लाइक योर लैपटॉप्स, योर हेडफोन्स, ईयरफोन्स, मोबाइल फोन्स, कैमराज, जो मतलब वेस्ट बन चुके हैं, खराब हो चुके हैं, ठीक है, उसे हम लोग कह सकते हैं ई वेस्ट, जिसे आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल, पीसीज एटसेट्रा दैट आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर अ यूजफुल लाइफ। CAD का फुल फॉर्म ये तो सबने देख ही दिया, इट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। चलो 12 वो 13 देखो। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड्स? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार आता है। आई हैव अ क्वेश्चन, विच पार्ट इज नोन एज कोर और हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कोर और हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल, ठीक है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है शेल, जो कमांड को कन्वर्ट करने का काम करता है, इसको हम कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। और एक होता है कर्नल, जो सारे मेन ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्म करता है, इसीलिए हम लोग इसे हार्ट या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। थाबी लेम ऑफिशियल, इनका क्वेश्चन था ये। चलो आंसर तो आ गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी, हरमन हॉलरिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू सेव द फॉलोइंग डेटा वुड रिमेन इनएक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर? आपका डेटा जो है ऑफ करने के बाद भी इनएक्ट रहता है, मतलब कंप्यूटर में ही रहता है, तो कहाँ पे डेटा सेव होता है? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में? तो इट शुड बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि ये बैकअप डिवाइसेस होते हैं, डेटा बैकअप जो है इसमें रहता है। और ऐसा क्यों होता है? ये वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल, किस वजह से होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है? क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी सबको दिख रहा है अभी। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 इज फैक्स मशीन एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ। फैक्स मशीन्स, इमेजिंग सिस्टम्स किसकी एग्जांपल्स हैं? बारको रीडर्स हैं, इमेजिंग सिस्टम्स हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं? हाँ बिल्कुल सही, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। हाँ तो फैक्स मशीन्स, इमेजिंग मशीन्स, ये सारे क्या होते हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं। आप पढ़ते हो ना, बारकोड रीडर्स, OCRs, OMRs, MICRs, बायोमेट्रिक्स, ये सारे स्कैनिंग मशीन्स हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर, इवन फैक्स मशीन भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड वाया अ। आपको एक सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट मिलता है, लीगल राइट मिलता है, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर प्रिवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, पासवर्ड मैनेजर या लॉग? बिल्कुल, आपको मिलता है ये लाइसेंस के थ्रू। व्हेन यू हैव द लाइसेंस देन यू कैन यूज, यू हैव द लीगल राइट टू यूज थिंग। चलो 16, 17, 18 एक ही स्क्रीन पे है।
क्या क्वेश्चन है 16 देखो. व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो एक टेस्ट परफॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसे हम लोग कहते हैं POST. आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है POST का. POST का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो खुद पर एक टेस्ट परफॉर्म करता है टू चेक इफ ऑल द डिवाइसेस ऑल द प्रोग्राम्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, आर लोडेड प्रॉपरली और नॉट. तो इसका आंसर होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपिंग कंप्यूटर्स प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर. ऑथर की परमिशन के बिना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेना, इसे हम क्या कहते हैं? हाईवे रॉबरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, लार्सनी या एम्बेजलमेंट. तो इसे हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट. यहाँ पे लार्सनी और एम्बेजलमेंट बोलते हैं, इन दोनों का ही मतलब होता है थेफ्ट, प्रॉपर्टी की चोरी. नेक्स्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसकी एग्जाम्पल है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी यूटिलिटी है, ऑफिस सूट है. तो एंटीवायरस जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, इट इज सिक्योरिटी यूटिलिटी. चलो वेरी गुड. 19 और 20, देखो फ्यू सेकेंड्स एंड गिव आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली ऑन ट्रायल बेसिस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द यूजर मे नीड और वांट टू पे इट लेटर. तो आप कई बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, ट्रायल बेसिस पे आपको डाउनलोडिंग मिलती है, मतलब आप 2 या 3 दिन उसको यूज कर सकते हो, तब फर्दर यूज करने के लिए उसके बाद आपको पे करना पड़ता है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? शेयरवेयर कहते हैं. ठीक है, उसके बाद ओपन सोर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड फ्री होता है. All right. और एक एडवेयर्स होते हैं. एडवेयर्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको एड्स दिखाते हैं वाइल ब्राउजिंग. जब आप सर्फिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, तो यू कैन सी कि आपको एड्स दिखते हैं. इवन जब आप यूट्यूब चलाते हो तो वीडियो के नीचे आपको एड्स दिखती हैं, है ना, पॉपअप्स आते हैं, तो वो एडवेयर्स के थ्रू होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20. साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर इंस्ट्रक्शंस. एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है मतलब दो या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी. ठीक, चलो क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22. चलो 21 का आंसर मिल रहा है यूपीएस. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग द पावर आउटेज. जब पावर खत्म हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए आपके सिस्टम को पावर प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हो वो सेव कर सको. तो ऐसा कौन होता है? यूपीएस. यूपीएस का फुल फॉर्म तो सब लोग लिखो जरा. वट इज द फुल फॉर्म? हाँ, फुल फॉर्म लिख भी दिया है कुछ लोगों ने. वेरी नाइस, इट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. गुड. उसके बाद CUT का फुल फॉर्म पूछा है. CUT का फुल फॉर्म पूछा है, तो CUT का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. ये कुछ अलग तरह का इंटरफेस नहीं है. आपने कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ा, CLI. CLI इज ऑल्सो नोन एज CUT. बात वही है, कमांड लिखो या कैरेक्टर लिख के लिखो, इनपुट देना. ठीक है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस दोनों एक ही है. ऑल राइट, साथ साथ में बच्चों के नाम लेते रहो क्योंकि स्टूडेंट्स हैप्पी हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं. कोई बात नहीं रोहित भगत, ऐसा ही करेंगे. इतने जल्दी कमेंट्स आते हैं, 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं किस किस का नाम लूँ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 24.
देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23, 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन ईमेल। तो ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एआरपी एड्रेस मुझे खुद ही भूल गया। एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट? इट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोटोकॉल है, असाइंस आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो जो असाइन करता है आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, दैट इज डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ यूपीएस। फादर ऑफ यूपीएस कहा जाता है जॉन जे हैनले को, पर ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आपको आएगा। जॉन जे हैनले इज नोन एज द फादर ऑफ यूपीएस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कुकी किसको कहते हो आप? कुकी मैम, वाना थैंक्स यू फॉर पेड इंग्लिश बैच, 0 से स्टार्ट किया था, 18+ स्कोर कर रहा हूँ और बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू भाड़ी बंदे। नाम देखो कैसे कैसे रखते हो यार तुम अपने यूट्यूब पे। अच्छा तो आंसर मिल गया, कुकी क्या होता है? यूजर्स की वेब एक्टिविटी टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कुकी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू मेक ऑप्शंस विच आर डिफिकल्ट टू चूज। ओके 26, 27 देखो, CGL 2015, 2016 के क्वेश्चंस हैं ये। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? आपको डेटा हायरार्की बतानी है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होनी चाहिए डेटा हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर? 26 का ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? इट इज टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। मॉक टेस्ट पेड है क्या? हाँ जी मॉक टेस्ट पेड है। नेक्स्ट 28, 29 देखो जल्दी। What is your question number 28? Which of the following is an input device used to verify the legitimacy or originality of paper documents, especially checks? Checks की originality को check करने के लिए कौन सा device use किया जाता है? 2021 SSC SHSL का question है। Non-impact printer, optical mark reader, electronic card reader या magnetic ink character reader? तो answer should be MICR, है ना? Magnetic ink character reader. क्योंकि ये हमने मेजर इसके एप्लीकेशंस में पढ़ रखा है। 29 क्वेश्चन क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज फ्रीवेयर, मिडलवेयर, शेयरवेयर या फर्मवेयर। कौन से होते हैं? फर्मवेयर्स होते हैं, क्योंकि फर्मवेयर्स भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ मेमोरी होते हैं, जो क्या स्टोर करते हैं?
परमानेंट डेटा है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं फर्मवेयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन। व्हाट इज योर क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो आप कौन सा की प्रेस करते हो, एंटर, एस्केप, शिफ्ट या रिटर्न। मैम क्वेश्चन था मेरा, कौन सा क्वेश्चन था, कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मे बी मैं आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई हूँ तो एक बार दोबारा पूछ लेना। हाँ जी, तो कौन सी की है, एंटर की, एग्जैक्टली एंटर की होती है जो आप नेक्स्ट टाइम पे आप लोग मूव कर जाते हो। ठीक है, सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन है ना। अब आ जाते हैं सीधा इंग्लिश सेक्शन पे, नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस करने। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल क्लॉज। क्या सेंटेंस है, आई हैड टू फिक्स माई प्रिंटर डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चन लेकर आना, ठीक है जी, सुन लिया आपकी बात। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर मिला एंड ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, विच आई बॉट लेस देन अ ईयर। ठीक है, प्रिंटर के लिए होम नहीं लग सकता, यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, विच आई वॉज बॉइंग लेस देन अ ईयर, यहाँ पे टेंस गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइप ऑफ क्लॉज बताना है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहां पे आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्लॉज है। अब ये सारे सारे ऑप्शंस में से देख लो एडवर्ब क्लॉजेस है, तो कौन सा टाइप का एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पे ये पूछा है। डेविड विल बी लेट हियर एट 2:00 इफ ही गेट्स द नेक्स्ट ट्रेन। एक्चुअली अंडरलाइन पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, इफ ही गेट्स द नेक्स्ट ट्रेन। कौन सा पार्ट है ये, इट इज कंडीशन, जब इफ दिया हो, इन केस दिया हो, एज इफ दिया हो, मतलब जहां पे हो अगर, तो वो कंडीशन ही है ना, तो कंडीशनल। मैनर किसका आंसर देता है कि कैसे हुआ, प्लेस आंसर देता है किधर हुआ, टाइम आंसर करता है कब हुआ। ठीक, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं मोडल वर्ब्स पे। मैम एक डाउट है मेरा, इंग्लिश का कमेंट लेंथी है इसलिए दो पार्ट्स में सेंड करूंगा, ध्यान रखना। अरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, मैं कैसे ध्यान रखूं इतने इसमें। तो मे आंसर मिल रहा है, मे ऑल योर विशेस, बिल्कुल जब भी हम ब्लेस करते हैं तो हम मे लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है, If you had not been there, I dash differently. If you had not been, ये कौन सा है, past perfect है। तो यहाँ पे have verb की third form आनी चाहिए, I dash have acted, I might have acted. Option number A would be the right answer, है ना? Might have acted, क्योंकि past में है तो हम might लगाएंगे। चलो good. अंजु इज द लता मंगेशकर। अब रोहित भगत के क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनना। अंजु इज डैश लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, ये इनका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे क्या, द लगना चाहिए। जब भी हम किसी पर्सन का नाम बोलते हैं हम कभी भी उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते है ना, मैं चाहे कितना ही फेमस पर्सन क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली बहुत फेमस है, मैं कभी नहीं बोलूंगी द विराट कोहली। लेकिन जब मैं किसी पर्सन को किसी और पर्सन से कंपेयर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ सैम इज द विराट कोहली ऑफ अवर स्कूल, अब सैम विराट कोहली नहीं है, ना ही मैं विराट कोहली के साथ द लगा रही हूँ, मैं सैम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो
जब मैं सैम और विराट कोहली को कंपेयर कर रही हूँ, तो जिस पर्सन के साथ कंपेयर किया जाता है उसके नाम के साथ द लगता है। अंजू को लता मंगेशकर के साथ कंपेयर करके बोला गया कि वो लता मंगेशकर के जैसी है, तो इसीलिए हमने इनके साथ द लगाया, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं। ठीक है रोहित? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखो। अब ये क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव में सेंटेंस है, पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। अंजू कैसे कॉमन नाउन है? अंजू भी तो नाम है ना, नाम तो प्रॉपर नाउन होता है रोहित। चलो अब क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। सो प्रिया वॉशिज हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, तो क्या होना चाहिए, क्लोथ्स आर वॉश बाय प्रिया इन द इवनिंग, तो ऑप्शन 3 शुड बी द राइट आंसर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन का। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। द अर्थ एटमोसफेयर कंप्राइजेस डैश 3 लेयर्स, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? शाकिर रशीद, यहाँ कोई आपका प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। कंप्राइजेस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो हम कभी इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। पैसिव में है तो कंप्राइज बाय लग सकता है। ठीक है, हाँ तो आंसर मिल गया इसका। देखो यहाँ पे है सनराइजेस एवरी डे, तो जो आपका यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो कभी भी टेंस चेंज नहीं करता, तो हमें टेंस चेंज करना ही नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस है जहां पे टेंस चेंज नहीं हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर, टीचर टोल्ड द क्राउड दैट द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। ऑप्शन, हाँ सब लोग यहाँ ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। कई लोगों ने देम को चेंज करते हुए रखा है, पर जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, अगेन नरेशन। अब जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, एक चीज मेरी बात सुन लो, जो भी अपने डाउट्स पूछ रहे हो ना यहाँ पे बीच में क्वेश्चंस देखे, अभी फिलहाल मत पूछो, जब सेशन एंड होगा ना, एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे पूछ लेना, मैं वन बाय वन आंसर करूंगी। अभी क्या हो रहा है, बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ आपके ऑप्शंस स्किप होते जा रहे हैं। थर्टी एट का ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या होना चाहिए, ही प्रे दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन हियर। गुड, चलो 38 और 39 आर्टिकल्स पे है, ध्यान से आंसर दीजिएगा सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी, व्हाट एलसीडी टेलीविजन सेट, तो एन एलसीडी साउंड ऑफ वोवल, ठीक है, डैश फिलिपींस हैज ब्यूटीफुल बीच इज द फिलिपींस। अब हम कंट्री नेम के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन जो कंट्री के नेम प्लूरल्स में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनके एंड में एस या ई एस आता है, उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम अमंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. गलत स्पेलिंग किसके हैं? एक्सप्लेनेशन के एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है, एग्जैजरेशन है, एक्सटर्मिनेशन है, एक्सपेक्टेशन है. सो वी हैव फोर वर्ड्स हियर, कौन से वाले गलत है? जल्दी जल्दी बता दो. एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग यहां पर गलत है. एक्सप्लेनेशन के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं? इट इज लाइक PLANATION. एक्सप्लेनेशन के करेक्ट स्पेलिंग ये होते हैं. एग्जेजरेशन, एक्सटर्मिनेशन, एक्सपेक्टेशन, ये तीनों ठीक है, ये वाले स्पेलिंग गलत है. तो ऑप्शन ए आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. PQRS अरेंजमेंट. क्या बोला है यहाँ पे? द सोल्जर्स आगे क्या है? डिसाइडेड टू होल्ड आउट. ठीक है, इन द फोर्ट टिल द लास्ट मैन अमंग देम वाज किल्ड. इट शुड बी PQRS. ऑप्शन नंबर बी है. आगे बढ़ते हैं. सिनोनिम ऑफ सीक्वल. सीक्वल का सिनोनिम बताना है यहां पर. तो सीक्वल का मतलब क्या होता है? कोई चीज की कंटिन्यूटी है ना. जैसे हम बोलते हैं मूवीज का सीक्वल आ रहा है, शोज का सीक्वल आ रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन में है. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है. नेक्स्ट आपका पेयर ऑफ वर्ड्स पे क्वेश्चन है. और पेयर ऑफ वर्ड्स और होमोनियम्स मैंने पहले भी बताया, होमोफोन सेम ही तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो बताइए क्या होना चाहिए? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सीन. SEENE. तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन रीअरेंजमेंट करना है आपको. 1 2 3 4. तो यहाँ पे रीअरेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढो. तो सबसे पहले तो ढूंढो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है हमारा. वंस यू फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, स्टेप टू क्या होगा? ऑप्शंस पे जाओ. ऑप्शंस पे जाओगे, देखोगे कौन कौन सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस वाला है, बाकी को रिमूव कर दो. राइट, तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं? टू मेनी केसेस स्टिल लाई. हमारा टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब सी और डी हम लोग अभी क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. अब 2 1 4 3 2 3 4 1 अरेंज करके देखते हैं. टू मेनी केसेस स्टिल लाई पेंडिंग बिकॉज इट वॉजंट कंफर्म्ड दैट द एक्यूज्ड रियली इज द कन्विक्ट. 2 1 4 3. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 इज बेसिकली एन idiom. idiom क्या है? कैपिटॉल. कैपिटॉल का मतलब क्या होता है एवरीबॉडी? टू कवर एवरीथिंग, टू सीज एवरीथिंग, टू फिनिश और टू ऑकर. हां जी, तो कैपिटॉल का बेसिकली मतलब होता है टू फिनिश, खत्म करना. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर. All right, let's see next question. Dash is residing here. यहाँ पे ना sentence incomplete है, यहाँ he लगा लो. He is residing here since 1983. तो क्या होना चाहिए? हमें बोला है since 1983, मतलब sentence जो है वो perfect continuous होना चाहिए, perfect होना चाहिए. तो option number one is the wrong. He is नहीं होगा, he has been हो सकता है. He has been residing here since 1983. Option number 1. Very nice. Let's move to question number 47 and 48. अब 47 और 48 में आप लोगों को बता देती हूँ. यहाँ पर finding error है.
फाइंड द एरर. एक सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई ना कोई गलती है, और सेंटेंस को आपको ऑप्शंस में भी डिवाइड करके दे दिया. नाउ यू जस्ट हैव टू चेक कि कौन सा वाला ऑप्शन गलत है. तो बताइए आंसर. आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग. तो यहाँ पे गलती क्या है, हु हैज बेसिकली मूवीज है, तो विच होना चाहिए, है ना. तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ. हैडंट ब्रोकन डाउन, अगर इफ क्लॉज परफेक्ट में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वुड हैव के साथ बीन होना चाहिए था, विल बी की जगह क्या होना चाहिए था, वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ. तो वेयर इज द रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू इज द रॉन्ग वन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 49 में आपको सेंटेंसेस दिए हैं, बताना है विच वन इज करेक्ट, एंड 50 प्रपोजिशंस हैं. एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल आर रेडी, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी. तो इस तरह का सेंटेंस तो आपको रोज करवाती हूँ ताकि आपको पक्के से याद हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए. तो अभी भी गलती कर रहे हैं कुछ लोग, बट इट्स ओके, धीरे धीरे सीख जाओगे. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई टोल्ड यू वेन एवर योर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम एवरी, आपका सेंटेंस एवरी से स्टार्ट होता है, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर. डज नॉट मैटर 10 बॉय बोला है, 10 गर्ल्स बोला है, बॉय एंड गर्ल बोला है, वर्ब हैज टू बी सिंगुलर. ठीक है, सो वॉज रेडी होना चाहिए. अगर इज रेडी होता तो भी सही था, ना तो आर आएगा ना तो वर आएगा. नेक्स्ट, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन, है ना. तो बाय और विद है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है. चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, द ड्राइवर एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग, इन द बिल्डिंग, द बिल्डिंग, टू द बिल्डिंग, विच वन इज द राइट आंसर. करेक्ट वन बेसिकली कौन सा है. ओके, तो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन बी, देन सम आर सेइंग ऑप्शन सी. 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर भी, मैंने यूट्यूब पर भी आई गेस पढ़ाया है बहुत बार, प्रैक्टिस सेशंस में भी करवाया है, इवन जो मेरे पेड कोर्सेज है मैंने उसमें भी बताया है. जब भी आप किसी प्लेस पर एंटर करने की बात करते हो ना, प्लेस पर जाने की बात करते हो, आप एंटर वर्ड लगाते हो, तो एंटर वर्ड के साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते. हम नहीं बोलते एंटर इन टू या एंटर इन, कभी नहीं बोला जाता. कब, जब किसी प्लेस में एंटर होने की बात होती है. क्यों, क्योंकि एंटर होने का मतलब ही होता है अंदर से बाहर से अंदर जाना, है ना, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो हमें अलग से प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इन, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, इन टू अंदर की तरफ जाना, तो नहीं पड़ती. तो इसीलिए एंटर द बिल्डिंग, हाँ हम एंटर इन टू एज अ फ्रेजल वर्ब लगाते हैं. एंटर इन टू पूरा एक फ्रेज होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दखल अंदाजी करना, किसमें, किसी डिस्कशन में, ठीक है, किसी सिचुएशन में, किसी मैटर में, किसी डिबेट में, कुछ भी हो सकता है, ऐसी किसी चीज में आप एंटर कर रहे हो, तो यू कैन से एंटर इनटू द डिस्कशन, एंटर इनटू द मैटर, एंटर इनटू द फाइट. लेकिन जब किसी जगह में एंटर होने की बात होती है, हम एंटर इन, एंटर इनटू कभी नहीं लगाते, सिर्फ एंटर लगाते हैं. तो आंसर हो गया सी. डन. चलो 52, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया और इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म क्या होगा आपको ये बताना है. ही हैड बीन स्लीपिंग को कन्वर्ट करना प्रेजेंट इंडेफिनेट में, करिए.
सेशन खत्म करने के बाद मैं 5 मिनट ठीक है लाइव रहूंगी, उस वक्त क्लास में से वही लोग रहे जिनको कोई ना कोई डाउट होगा, ठीक है, बाकी लोग क्लास से जा सकते हैं। बिल्डिंग आ सकता है, एंटर द बिल्डिंग तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो He had been sleeping, present indefinite क्या होगा? Present indefinite क्या होता है? Subject के साथ verb की first form. तो किधर है इधर subject के साथ verb की first form? Option number D में. So D is the right answer. Next question. 53, 54 last two questions है, जल्दी जल्दी answer करो. 53 में correct verb choose करना है और 54 में आपको बताना है idiom का correct meaning. तो he dashed his house 7 days ago. Left leave leaves is leaving. तो व्हेनेवर योर सेंटेंस में आपको, आपके जब भी सेंटेंस में हो एगो, ठीक है, तो एगो के मतलब होता है कि पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days अगो, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ गेट ऑफ, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, क्या मतलब होता है इसका बताओ ऑप्शन में, गो ऑफ एट अ टेंजेंट। फिफ्टी फोर का ऑप्शन डी मिल रहा है, फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन, नहीं, गो ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब होता है बात को एकदम से बदल देना, ठीक है, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर ए, एकदम से सब्जेक्ट बदल देना, एकदम से बात बदल देना, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो डन, सो वी आर नाउ डन विद 54 क्वेश्चंस। अब वो स्टूडेंट्स क्लास में रहे जिनको डाउट्स हैं, जिनको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज है, एंड प्लीज वन बाय वन आंसर क्वेश्चंस पूछना ताकि मैं सबके क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊं। चलिए शुरू हो जाइए, किसको क्या डाउट है। कैसे होता है, इज एम या आर लगता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हर क्लोथ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में देखे तो हर क्लोथ दिया नहीं है, द क्लोथ दिया, तो हमें अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। द क्लोथ्स है, प्लूरल है तो आर लगेगा, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो गई, बाय प्रिया इन द इवनिंग, बस इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, सिंपल तो सेंटेंस था ये। आगे और किसका क्या डाउट है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तब कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, प्रॉपर टू प्रॉपर कंपेयर करें तो कौन सा यूज करते हैं, इस बात की बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा रोहित, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हो, कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हो, क्योंकि आप जो लिख रहे हो मैं प्रॉपर समझ नहीं पा रही हूँ, तो गिव मी टू एग्जांपल्स, जो भी आप बोलना चाहते हो मैं अकॉर्डिंगली आपको समझाती हूँ, ठीक है मैम। ये 35 क्वेश्चन है, 34 ही तो समझाया, मेरी क्लास की टाइमिंग होती है 9 o'clock। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल है एबीसी, अब वाली लाइव क्लासेस भारत जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल है, ठीक है। चलो इम्तियाज मलिक का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी आता है। देखो पंच कार्ड्स की इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आपने बिल्कुल सही कहा कि पंच कार्ड्स में कुछ जगह लिखा है जैकवर्ड एंड कुछ जगह लिखा है हरमन हॉलरिथ,
और दोनों ही पंच कार्ड्स के इन्वेंटर्स हैं, लेकिन दोनों ने ही पंच कार्ड्स को अलग अलग फील्ड में यूज करने के लिए बनाया था। हमें जब भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें पंच कार्ड्स का यूज कंप्यूटर से रिलेटेड करना है। तो पंच कार्ड्स का यूज कंप्यूटर्स में किसने लाया? हरमन हॉलरिथ ने लाया। तो जो पंच कार्ड्स बनाए गए कंप्यूटर में यूज करने के लिए, वो किसने बनाए? हरमन हॉलरिथ ने बनाए। तो इसीलिए हम कंप्यूटर की टर्म्स में उसका आंसर हरमन हॉलरिथ देते हैं। जैकवर्ड ने भी पंच कार्ड्स बनाए, लेकिन उन्होंने किस यूज के लिए बनाए थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रिंटिंग पर्पज में यूज करने के लिए पंच कार्ड्स बनाए थे जैकवर्ड हॉलरिथ ने। ठीक है, तो उनका जो इन्वेंशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की टर्म्स में, इसीलिए हम ये आंसर चूज नहीं करते हैं। हम कंप्यूटर की टर्म्स में चूज करते हैं, तो हम हरमन हॉलरिथ चूज करते हैं। इम्तियाज, आई गेस दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इन द यूनिवर्सल ट्रूथ क्वेश्चन आई वॉज गिविंग द मॉक टेस्ट, आई यूज द सेम बट इट शो रोज एट द प्लेस ऑफ राइजेस, अ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो ये रेक्टिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर एरर डिटेक्शन के लिए इनफ है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मैंने बता दिया एबीसी। चलो रोहित का क्वेश्चन है, ही इज डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर स्कूल। ठीक है, तो यहां पर आएगा द, क्योंकि ही क्या है? एक प्रोनाउन है, या ही की जगह राम लिख लो। चलो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, सचिन भी एक प्रॉपर नाउन है। राम को प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर किया गया, हमने जिससे कंपेयर किया उसके साथ आर्टिकल द लगा दिया। ठीक है, समझ आया? करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू हो जाएंगे कल से, आर्टिकल द आएगा रोहित। और किसी को कोई और डाउट? 34 मैंने बताया अभी, आई गेस। अच्छा, ये वाला है क्वेश्चन 34। चलो देख लो एक बार। इफ यू हैड नॉट बीन देयर आई डैश डिफरेंटली। देखो, जब इफ क्लॉज में आपका परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट बीन, तो जो आपका मेन क्लॉज होता है ना, वहां पे जो भी वुड या माइट, यहाँ पे हमें माइट दिया है, तो पास्ट फॉर्म में की माइट हो गई, हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो बस वही हमने चूज किया, माइट हैव एक्टेड, थर्ड फॉर्म ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये। विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर, अगेन द आएगा। मैंने बोला आपको करंट अफेयर्स कल से करवाऊंगी। हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे जेएनके के करंट अफेयर्स से, जेएनके के करंट अफेयर्स खत्म करने के बाद हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आएंगे। देखो मुनीश, आपका डाउट मैं क्लियर करती हूँ। जब आपका इफ क्लॉज में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। अब परफेक्ट पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इधर क्या लगता है? Would have verb की थर्ड फॉर्म। अब वहां पे क्या दिया था? Had not been, हम had been ले लेते हैं, चलो not हटा देते हैं, had के साथ verb की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आना चाहिए था? Have verb की थर्ड फॉर्म, वहां would नहीं दिया था, may का might दिया था, तो हमने might लगा दिया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? रेजोल्यूशन ऑफ एनी प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ डीपीआई, डॉट्स पर इंच, चाहे वो कोई भी प्रिंटर हो। ऑल राइट एवरीबडी, चलो ठीक है, फिर अब मैं सेशन एंड कर रही हूं, बहुत ज्यादा हो गया है। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की बात कर रहे हो तो एक प्लेलिस्ट है, देखना मेरा जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का, मैंने पहले ही करवाए हुए हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, आपको जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सेशंस मिलेंगे मेरे इंग्लिश कंप्यूटर्स के, वो वॉच कर लो। ठीक,
ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम सेशन एंड करते हैं. टेक केयर, गुड नाइट.